उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में ग्राम रोजगार सेवकों के बकाया मानदेय सहित 8 सूत्रीय मांग को लेकर 9 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि लगभग 20 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही दुखद है। दीपावली तक अगर हमारा भुगतान सहित नहीं मिलता है तो हम आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार संघ निखिल कुमार सिंह ने कहा, हजरतगंज कोतवाली में मेरी संगठन के अगर प्रदेश अध्यक्ष जी एक साथी जो पुलिस के 3000 मानव दिवस का बना है कि उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र लागू कराए, उसके लिए उपवास कार्यक्रम रखा गया है। हम आपको इस बात से भी आश्वस्त करते हैं, संगठन के नेता है और एकदम सिमटा प्रदेश रोजगार सेवक के समूह में ग्राम रोजगार सेवकों के विगत 20 माह के बकाया मानदेय के शीघ्र भुगतान और 8 सूत्रीय समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। निखिल कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ। 25 माह से बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान व डबटेलिंग, मनरेगा में राज्य 14वां वित्त को डबटेलिंग करने के साथ साथ फर्जी प्रस्ताव में हटाए गए रोजगार सेवकों की बहाली, नगर निगम नगर निकाय में सम्मिलित रोजगार सेवकों के उनके पद पर बहाली और 3000 मानव दिवस जो सरकार द्वारा एक एजेंडा रोजगार सेवकों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया है, उस पर तत्काल रोक लगाते हुए अगली कार्रवाई करने की के लिए बाध्य है। और हमारा मानदेय किसी भी कीमत पर दिवाली से पहले नहीं मिला, तो आज तो यह उपवास कार्यक्रम चल रहा है, कल यह उपवास कार्यक्रम आमरण अनशन में तब्दील होगा। हम अन्न जल त्याग कर इसी रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठने का काम करेंगे।